हेलो दोस्तों, तो आज से शुरू कर रहे हैं एक नया टूर, एक नया सफ़रनामा जयपुर से स्पीति वैली। हाँ, स्पीति वैली का। तो मैं बैठ चुका हूँ फाइनली बस के अंदर, और यहाँ से पहले मैं जाऊँगा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से फिर मोनू भाई मुझे पिक कर लेंगे, वहाँ से हम लोग स्पीति जाएंगे। तो ये है वो गाड़ी जो मोनू भाई लेके आए हैं मेरे लिए, और अब 10-12 दिन इसी गाड़ी के अंदर है। तो आओ मिलाता हूँ मोनू भाई से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर अगेन मोनू भाई। हाय, सो मैं पहुँच चुका हूँ अभी चंडीगढ़, और अब हम लोग मूव कर रहे हैं शिमला की ओर। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जयपुर से आया था चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मोनू भाई अपनी गाड़ी लेके आ गए थे मुझे पिक करने के लिए, और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा शिमला। शिमला में हम लोग एक नाइट का स्टे लेंगे, और वहाँ पे जो कुछ एक दो चीज़ें हैं देखना है, जैसे जाखू टेम्पल वगैरह, वो मंदिर घूमकर हम लोग आगे को निकलेंगे। तो अब बस रास्ते में एक अच्छा कोई डंका रेस्टोरेंट मिल जाए तो वहाँ हम खाएंगे खाना, क्योंकि यार बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो चलो चलते हैं रेस्टोरेंट की ओर। तो मुन्नू भाई लेके आए एक छोटे से रेस्टोरेंट, नाम छोटा सा क्या, काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, हवेली। यहाँ के आलू के परांठे और देसी बटर, या जिसको आप मक्खन बोलते हैं, वो बहुत फेमस है। जब दिल्ली में था मैं, तो मूर्थल हम लोग काफ़ी जाया करते थे परांठे खाने के लिए। तो चलो वो यादें ताज़ा करते हैं। काफ़ी इंटीरियर काफ़ी ठीक है, और काफ़ी यूँ सही सा बना हुआ है। तो चलते हैं और करते हैं पहले पेट पूजा, फिर काम पूजा। यहाँ पंडित जी बिठा रखे हैं उन्होंने, तो कमाई के सारे साधन कर रखे हैं कुल मिला के। काफ़ी साफ़ सुथरा और शांत है अभी तो। गौ माता भी बैठा रखी है इन्होंने। यह है रिसेप्शन एरिया। कोई अभी बहुत ज़्यादा रश यहाँ हमें दिखा नहीं, तो अब चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। तो हमने आलू पराठे का ऑर्डर दे दिया है, और जब तक ये देखो भाई, ये है देसी मक्खन जो इन्होंने साथ में दिया है पराठे लगाने के लिए। तो बस यार पराठे आ जाए तो फटाफट पराठे खाते हैं। तो भाई ये लो, आ चुका है अपना आलू पराठा, और ये हम लोग इस पे मल रहे हैं देसी मक्खन। आलू के पराठों का मज़ा ना मक्खन के साथ में ही होता है भाई, ऐसे सॉस वगैरह से मज़ा नहीं आता। जो असली इसका फील आएगा ना मक्खन के साथ में, तो मक्खन मार के मज़ा आता है फिर। तो ये है कमरा हमने लिया है यहाँ पे। अभी मैं हूँ कुफरी के अंदर, जो कि शिमला से है तकरीबन 14 किलोमीटर। शिमला में इतना भयंकर जाम और इतना ज़बरदस्त रश था कि हमने सोचा कि यार यहाँ से थोड़ा दूर ही
रहना बेहतर होगा। गाड़ी हमारे पास में है तो हम लोग आ चुके हैं कुफरी। इसका हम लोग पे कर रहे हैं 1400 पर नाइट। रूम काफ़ी ठीक है देखो। और अब आपको दिखाता हूँ यहाँ से बाहर का नज़ारा। रूम काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेसियस है और बाथरूम भी काफ़ी ठीक ठाक सा है। तो चलो अभी फ़िलहाल एक दिन के लिए तो हमें यहाँ स्टे मिल गया। आगे की आगे देखी जाएगी। तो अब दिखाता हूँ मैं यहाँ से आपको बाहर के नज़ारे। वाह भाई ये देखो, है ना, काफ़ी मतलब यूँ सही सा व्यू आ रहा है। क्या डेंस फॉग हो रखा है यार। अगर शिमला वगैरह आओ और फॉग ना मिले ना तो ट्रिप अधूरा सा यूँ लगता है। तो बस अब थोड़ा खाना वाना खा के अब निकलेंगे हम लोग जाखू टेम्पल की ओर। तो ये उसी होटल के नीचे है शेरे पंजाब। तो बस यहाँ कुछ हल्का फुल्का खा के फिर हम लोग निकलेंगे आगे की ओर। हम लोग ठहरे हैं यहाँ आमंत्रण, इसी होटल में हम लोग ठहरे हैं। उसके नीचे ये देखो शेरे पंजाब है, ये है कुफरी के अंदर। तो हम निकल चुके हैं अब जाखू टेम्पल के लिए। रास्ते में काफ़ी यार भीड़, काफ़ी जाम मिला। तो बस अब पहुंचने वाले हैं हम जाखू टेम्पल। हनुमान जी का पुराना मंदिर है तो आए हैं तो एक बार दर्शन करके ही आगे चलते हैं। ये आ गया हनुमान जी का प्राचीन मंदिर जाखू। यहाँ के भी काफ़ी मान्यता हैं, अगर आप यहाँ आते हैं आसपास में हैं तो ज़रूर यहाँ पे अपनी हाजिरी लगा के जाएं ताकि आपके सारे काम, आपकी सारी यात्रा अच्छे से जाए। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी चढ़ाई शुरू करनी है तो चलो चलते हैं साथ में। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ देखो पूरी बनी हुई है जो आगे मंदिर तक हमें लेके जाएंगी। और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, मौसम भी ठंडा है। तो ये है पूरी स्टेयर्स, अच्छी है, कंफर्टेबल स्टेयर्स हैं, चौड़ी चौड़ी हैं तो उतना चढ़ने में भी स्ट्रेच नहीं आ रहा। तो ये देखो भाई विशाल हनुमान जी की मूर्ति, क्या यार सही मूर्ति है। इधर आ जाए, इधर बस हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग निकल चुके हैं मेन शिमला सिटी के साइड में, जहां हम लोग शिमला चर्च और रिज रोड, ब्रिज रोड, जो भी रोड है यहाँ पे सारे देखेंगे। उसके बाद हम जाके रेस्ट करेंगे। तो बस यहाँ से आपको पर्ची लेनी पड़ेगी लिफ्ट के लिए। यार यहाँ अजीब सा सीन है, मतलब यहाँ लिफ्ट फ्री नहीं है, आपको लिफ्ट के चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। तो यार ये भी बड़ी अजीब सी बात है।
तो ये हम पहुंच चुके हैं शिमला के आइकॉनिक बिल्डिंग, यहाँ का चर्च। शिमला आओगे और चर्च नहीं देखोगे तो भी भाई आपका शिमला का ट्रिप अधूरा ही है। तो फाइनली अब शाम को हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला के सबसे फेमस स्ट्रीट। यहाँ पे आप शॉपिंग, खाने वाने का सारे आपको यहाँ सुविधाएं मिल जाएंगी। बस यहाँ घूमने के बाद और कुछ जो हल्का फुल्का खाना है उसको खाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने वापस होटल की ओर। और यार आप रेस्ट करेंगे को काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि कंटिन्यूस ड्राइव भी की है, फिर मेरा बस का भी सफ़र था, तो बस इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी घूम के फिर निकलते हैं होटल की ओर।